वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए ये होम थिएटर, इस वीडियो में हम कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। इसका ये बॉक्स हमने जो बनाया है ये पोर्टेड बॉक्स है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों स्पीकर, ये हमारा वूफर और ये सब एक साथ एक ही बॉक्स में है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से हमारा ये स्पीकर दोनों और ये हमारा जो ब्लूटूथ किट है उसका यहाँ से अलग बॉक्स बना हुआ है इतने में, ठीक है। क्योंकि हमें होम थिएटर में अच्छे आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसका बेस क्वालिटी अगर हम एक साथ करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमारा जो वूफर है उसको अलग से सिंगल बॉक्स पे बनाना ज़रूरी रहता है और बाकी उसके साथ इसको नहीं देना रहता है। इसके लिए हमने अलग बॉक्स यहाँ से तैयार किया हुआ है, तो वो वीडियो जब हमने देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अलग है ये, ठीक है। और ये हमारा पोर्ट है और इसके अंदर ये हमारा पोर्ट का होल का जो प्लास्टिक लगा होता है वो लगा हुआ है। उसके भी ना लगाने से भी हमारे वूफर का जो बेस है वो भी अच्छा नहीं रहता, तो इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये पोर्टेड बॉक्स है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये जो स्पीकर है ये साइड में इस तरफ दे दिया जाता है, सिर्फ ये होल सामने रहता है, या तो इसको नीचे दे दिया जाता है, तो मैंने सामने ही दे दिया है, ठीक है। तो इसकी बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए हम इसे कैसे बनाते हैं इसका पूरा वीडियो देखते हैं। और ये पीछे मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इधर हमारा जो किट और सर्किट लगा हुआ है तो अगर कभी ख़राब हुआ तो यहाँ से हम स्क्रू द्वारा खोल के फिर उसे लगा सकते हैं, इसलिए पीछे मैंने सनमाइका नहीं लगाया है। सिर्फ तीन साइड लगा है, ऊपर नीचे सामने इधर और नीचे इस तरफ, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सारे प्लाई मैंने अपने रिक्वायरमेंट साइज के हिसाब से काट लिया है।
तो देखिए मैंने इसका सर्किट किट ट्रांसफार्मर सब इस पर फिट कर दिया है। इसको पूरा वायरिंग डायग्राम मैंने अलग से वीडियो पे बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने इस पर आपको ये नहीं बताया है कि ये कैसे फ़िट होता है, उसका अलग वीडियो बनेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने इसमें सीधा इसे फिट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें एयर लॉक करने के लिए मैंने डबल साइडेड जो टेप आता है वो यूज़ किया हुआ है, जो इससे पीछे जिसमें हमारा नट टाइट होगा, स्क्रू टाइट होगा, तो वहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया हुआ है। चारों तरफ इसे लगा के इसे एयर टाइट बनाना है ताकि हमारा एयर यहीं कहीं से भी लीकेज ना हो। तो देखिए अब सनमाइका लगाने का लास्ट फिनिशिंग वाला काम चल रहा है, तो इसमें सनमाइका लगाया जाता है इसे और अच्छे दिखाने के लिए। इसके जगह आप पेंट भी लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट भी कम पड़ेगा। और अगर सनमाइका चिपकाना है तो अच्छी बात है, उससे और इसका लुक बढ़ जाता है। तो अगर सनमाइका चिपकाना चाहे तो सनमाइका चिपकाइए, अदरवाइज़ पेंट भी कर सकते हैं। तो हमारा रेडी हो चुका है ये। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।